बाबा जी हमने देखी है दुनिया। बाबा जी हमने देखी है दुनिया। तुम भी वजन करो ईश्वर को, तुम भी वजन करो ईश्वर को, नैया पार लगावे रे विनती है दुनिया। लला कसोटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना। भगवान कहते हमारा जो वक्त प्यारा है, हमारा जो वक्त प्यारा है, मेरी बेटी का खिलौना है। महाराज बोलिए अब हम गुरु का ढूंढे आप ही बन जाओ। तो बाबा नारद बोले जो बोले सो कुंडी खोले, द्वादश मंत्र दिया दो और दस बारह अक्षरों का, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश दो और दस बारह अक्षरों का है। जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। चले हैं ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चलते जा रहे हैं। और जब यमुना के किनारे पहुंचे, ध्रुव ने पहली समाधि लगाई और जब खोली है तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खा लिया, पानी पी लिया। दूसरी समाधि ध्रुव ने जब खोली है तो तीसरे महीने में छिलका खा लिया, पानी पी लिया। चौथे महीने में महाराज ध्रुव ने सिर्फ पानी पिया और पांचवें महीने में वो छोटा सा बच्चा पांच साल का और पांच महीने का हो चुका, आज हवा का आहार करने लगा। हवा का आहार करने लगा और अंगूठे के बल खड़ा हो गया। इतनी विलक्षण तपस्या है दादा, याद रखना वो साढ़े पांच वर्ष का बच्चा, वहां सब पशु पक्षी जीव जंतु परेशान है। लिखा है तो बायु रुकी तिरलो मोमे,
बन और यो ठोम बस प्रथमी पापी उठी आठो बस प्रथमी पापी उठी ससी सूर्य हिले महाराज चौदह लोग 49 पवन आठो वश पृथ्वी कांप उठी ससि सूर्य हिले तेरे लोगों में चंद्र पे लालिमा छाने लगी। बड़ी बुरी दशा है, पशु पक्षी जीव जंतु सब परेशान है, इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। बाबा नारद बोले वो थोड़ी देर और धरे रहो आटा दार गुवा पता चल लो तुम्हें शेष नांग जहर उगल रहा है, शेष नांग जहर उगल रहा है। विष्णु भगवान बड़े चिंतित हैं। बाबा नारद बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, 5 वर्ष का बेटा तपस्या कर रहा है और तुम यहां लेटे रहो, बस लक्ष्मी पैर दबाती रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाइए उसे दर्शन दीजिए। महाराज इंद्र को चैन कहां पर है? इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी और कहा जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। 5 अप्सराएं चली और जब उस 5 वर्ष के बच्चे को देखा तो उर्वशी ने जवाब दो रही दीदी मुझे तो लगा था कि कोई बहुत बड़ा संत है, ऋषि है, विद्वान है, ये तो 5.5 वर्ष का है, कोई नागिन बन के डरा रही है, कोई शेरनी बन के डरा रही है, कोई धमका रही है, लेकिन पलक खोलने की तो छोड़ दो। महाराज ध्रुव ने पलक डिगाए तक नहीं, सब कर्म कर लिए लेकिन ध्रुव पलक नहीं डिगा रहा है। बाबा नारद बोले हैं भगवान विष्णु से कि महाराज माया समेट लो इसकी, माया रूपी वर ततैया भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं, साक्षात भगवान गरुड़ पे बैठ के अपने भक्त से मिलने के लिए चले। कैसे जा रहे ताली बजा के बोलेंगे।